दोस्तों, अगर आप भी Realme का डिवाइस यूज करते हैं तो आपको पता होगा जनरली यहाँ पे कई सारे डिवाइसेज में होता क्या है कि जब भी आप कॉल करते हैं और कॉल करने के अकॉर्डिंग अगर आपको यहाँ पे कोई भी बात को रिकॉर्ड करना होता है तो जैसे ही आप रिकॉर्ड वाले बटन पे टैप करते हैं तो बगल वाले पर्सन के पास एक नोटिफिकेशन चला जाता है कि आपकी कॉल जो है रिकॉर्ड की जा रही है। तो ऐसी सिचुएशन में जो यहाँ पे कह सकते हैं सामने वाला जो यूजर होता है वो काफी ज्यादा अलर्ट हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना, मतलब इस जो साउंड की जो प्रॉब्लम आती है इसको कैसे ऑफ करना है, इस वीडियो के थ्रू मैं डिस्कस करने वाला हूँ। काफी इंटरेस्टिंग ये टॉपिक होने वाला है, तो वीडियो को आप जरूर से कंप्लीट देखिएगा और मे भी ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है। इस वीडियो के थ्रू आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल यहाँ पे नॉलेज मिलने वाली है, तो वीडियो को आप कंप्लीट जरूर से देखिएगा। अगर ये ट्रिक वर्क करती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो अपलोड करते मिल जाए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल साइट्स के लिंक प्रोवाइड करवाए गए हैं, उनको जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, जनरली आप अगर रियलमी का डिवाइस यूज करते हैं तो आपको पता है उसमें गूगल का जो यहाँ पे कीबोर्ड है वो देखने को मिलता है। अब जैसे ही आप उसमें कॉल करते हैं तो एक बगल वाले पर्सन के पास जो है यहाँ पे बगल वाले यूजर के पास जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन जरूर से चले जाता है। लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता दूं क्या करना होगा। देखिए, मैं आपको एक बार कॉल करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, फाइनली मैंने यहाँ पे कॉल स्टार्ट कर दिया है, बट यहाँ पे जो मेरा इंटरफेस दिख रहा होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो यूजर इंटरफेस है यहाँ पे जो गूगल का यूजर इंटरफेस है उससे काफी ज्यादा हटके है। मतलब जो यहाँ पे गूगल का जो इंटरफेस होता है वो एक्चुअली में यहाँ पे नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो ये ऐप है ये ओप्पो की जो है यहाँ पे कॉलिंग ऐप है। ठीक है, आप यहाँ पे अगर आप इस ऐप में अगर यहाँ पे रिकॉर्डिंग करते हैं तो ये रिकॉर्डिंग जो है बगल वाले को सुनाई नहीं देगी। मतलब आप इजिली जो है अपने डिवाइस में जो है यहाँ पे कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं और बगल वाले यूजर के पास कोई भी नोटिफिकेशन नहीं जाने वाली है। तो इस ऐप को आपको कैसे डाउनलोड करना है, कहां से मिलेगा, वो भी मैं बताने वाला हूं। फिलहाल आप देख सकते हैं अगर मैं यहां पे ऑन करता हूं तो यहां पे मैं रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूं तो देख सकते हैं ये रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन बगल वाले के पास कोई भी नोटिफिकेशन नहीं जाने वाला है। और ये जो ओप्पो का ऐप है मतलब काफी ज्यादा अच्छा ऐप है जो कि कॉलिंग का ऐप है। ठीक है, आप इस यूजर को देख सकते हैं यहां पे काफी अच्छे तरीके से 10 से 12 सेकंड ये हो गया है। अगर मैं आपको यहां पे सुनाऊंगा तो ये काफी अच्छे से जो है यहां पे ये कॉल को भी रिकॉर्ड करता है। तो दोस्तों, फाइनली हमने इसकी कॉल हिस्ट्री को ओपन कर लिया है। अब कॉल रिकॉर्डिंग को सुनने के लिए आपको कॉल हिस्ट्री पे चले जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नंबर आपने डायल किया है उसके नीचे एक इस तरीके का सिंबल बन के चला आता है, आपको सिंपल इस पर टैप करना है। एक्चुअली में दोस्तों इसमें आवाज़ जो है हमारी वॉइस जो है मिक्स हो गई है क्योंकि मैं इसमें वीडियो भी शूट कर रहा था और आपको रिकॉर्डिंग भी लाइव दिखा रहा था, तो उसमें आवाज़ जो है मिक्स हो गई। बट जो आवाज़ है ना, मतलब सामने वाले जो यहाँ पे आपको वॉइस आती है वो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, यहाँ पे क्लियर आ रही है। तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं कि इस वाले ऐप को आपको कैसे डाउनलोड करना है। देखिए, एक्चुअली में अगर आप गूगल का ऐप जो इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन बगल वाले यूजर को जो पता चल जाएगा। अब आपको इस ऐप को यूज करने के लिए देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इस ऐप का नाम है ओ डायलर करके। ठीक है, ये देख सकते हैं ये ओ डायलर ऐप है, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये जो है यहाँ पे ये ओप्पो का ही ओ डायलर ऐप है, मतलब ऑफिशियल यहाँ पे आपको ये ओप्पो का मिल जाता है। अब इसको डाउनलोड करने के लिए आप डायरेक्ट जो है प्ले स्टोर पे विजिट करके जो है डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं ओ डायलर को। अदरवाइज आपको इस जो है एप्लीकेशन का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद आपको करना क्या होगा कि अपने डिवाइस में जो है सेटिंग में चले जाना है। ठीक है, और पहले वाला भी आपको एप्लीकेशन रखना है। ठीक है, पहले वाला इंस्टॉल नहीं करना है। ठीक है, यहां पे जाने के बाद आपको ऐप में जाना है। ऐप में जाने के बाद यहाँ पे आपको डिफॉल्ट ऐप में जाना है और उसके बाद यहाँ पे आपको कॉलिंग का सेट करना है अपना जो है, ये देख सकते हैं फोन ऐप है, इस पर टिक करके आपको जो है यहाँ पे जो है ओ डायलर को जो है टिक मार्क कर देना है। ठीक है, इतना सा काम करना है। और जो आपका गूगल वाला जो डायलर है उसको आपको यहाँ से चाहे तो यहाँ पे जो है डिसेबल भी कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप इस ऐप को जब आप यूज करेंगे तो वहां पे आपका ये ऐप इनेबल हो जाएगा और सारे अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे काफी अच्छे से वर्क करने वाला है। तो दोस्तों, होपली इस वीडियो के थ्रू मैंने यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड करवाई किस तरीके से आपको इस ऐप को इंस्टॉल अपने डिवाइस में। तो दोस्तों, होपली आपको वीडियो पसंद जरूर से आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।